बसमीम असल डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर सिक्सटीन फिज़िक्स ऑफ सॉलिड और फिज़िक्स ऑफ सॉलिड डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड इस चैप्टर में जो बेसिक हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हमने स्टडी करना है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड की एक्सलेटेड सिलेबस के मुताबिक uh, सिर्फ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को हमने स्टडी करना है अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से क्या मुराद है द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ अ सॉलिड टुवर्ड्स एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी Is the response of a solid towards externally applied electric field? ये नहीं कि जब आप सॉलिड पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसका रिस्पांस क्या आया वो इलेक्ट्रिसिटी uh, कंडक्ट करता है या नहीं करता अब सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्लासिकल थ्योरीज भी हैं और मॉडर्न थ्योरीज भी हैं तो थ्यूरीज में आपके पास क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी दोनों मौजूद हैं लेकिन जो सबसे फेमस क्लासिकल थ्योरी है वो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है और जो सबसे फेमस मॉडर्न थ्योरी है आपके लेवल पे पढ़ाई जाती है वो है इनर्जी बैंड थ्योरी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन सॉलिड्स जस्ट लाइक एटम्स आर मूविंग इन अ गैस सिलेंडर फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स सॉलिड्स में बिल्कुल उसी तरह मूव कर रहे हैं थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स जैसे कि एक गैस सिलेंडर में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक क्लोज कंटेनर है तो क्लोज कंटेनर में ये आपके पास लेट से पिस्टन है पिस्टन इमूवेबल है इस सिलेंडर का और यहाँ पर आपके पास वो से गैशियस आइटम्स हैं तो गैशियस आइटम्स इस सिलेंडर के पूरे के पूरे वॉल्यूम में रेंडमली मूव कर रहे होते हैं बिल्कुल उसी तरह अगर आप यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल सॉलिड कंसीडर करते हैं सिलेंड्रिकल सॉलिड में भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गैशियस एटम्स की तरह थ्रू आउट द वॉल्यूम रेंडमली मूव कर रहे होते हैं थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड अच्छा अगर ऐसा है तो फिर तो चाहे जो भी सॉलिड हो सब में इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड मूव कर रहे हैं अगर फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को फॉलो किया जाए तो जो भी सॉलिड्स होंगे उनमें तो इलेक्ट्रॉन सी अवेलेबल होगा जो सॉलिड के तमाम के तमाम वॉल्यूम में मूव कर रहा होगा तो फिर तो हमारे पास तमाम के तमाम सॉलिड्स कंडक्टर्स होने चाहिए लेकिन ऐसा है तो नहीं तो इसका मतलब क्लासिकल थ्योरी फ़ेल हो जाती है इंसुलेटर्स और सेमी कंडक्टर्स की नेचर को एक्सप्लेन करने में तो दिस थ्योरी फ़ेल्स टू एक्सप्लेन the nature of insulators and semiconductors अच्छा band theory से बात करते हैं तो energy band theory के मुताबिक आपके पास solids में बहुत से इनर्जी बैंड्स होते हैं जो एटम्स के करीब आने की वजह से क्रिएट होते हैं तो अब आपको बैंड थ्योरी मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करेगी कि कैसे सॉलिड्स और क्रिस्टल्स में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो बैंड थ्योरी के बारे में हम ये कह सकते हैं तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड डिस्क्राइब करेगी द प्रोसेस एंड इफेक्ट्स इन सॉलिड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ क्लोजली स्पेस एनर्जी लेवल्स अब देखें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने ये एक्सप्लेन करना है कि एक सॉलिड एक्सटर्नल फील्ड को कैसे रिस्पॉन्ड करता है अब अगर वही रिस्पॉन्स आप किस सूरत में एक्सप्लेन करें इन टर्म्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ क्लोजली स्पेस एनर्जी लेवल्स तो फिर ये बन जाएगी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स और इस ग्रुप ऑफ क्लोजली स्पेस एनर्जी लेवल को हम क्या कहते हैं एनर्जी बैंड कहते हैं तो अब एनर्जी बैंड को समझेंगे और एनर्जी बैंड की टर्म्स में वेरियस टाइप्स ऑफ बैंड्स को देखेंगे और फिर उसकी एप्लीकेशन में हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों कंडक्टर्स कंडक्टर्स हैं कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को क्यों इंसुलेटर्स कंडक्ट नहीं करते और क्यों सेमी कंडक्टर का बिहेवियर इंसुलेटर और कंडक्टर्स के in between rather. So students I'm define karne energy band co. Energy band is the collection of closely spaced energy levels. Formed when atoms come in close proximity to make solids. देखें गैशियस एटम्स दे आर फ्री टू मूव हेयर एंड देयर जब आप इनको कोल cool डाउन करते हैं तो ये दूसरे हैं, liquid. Liquid cool, cool हैं, तो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं एंड दे फॉर्म लिक्विड लिक्विड को जब आप फर्दर कूल डाउन करते हैं तो एटम्स एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं एंड दे फॉर्म सॉलिड्स अब जब एटम्स आइसोलेटेड होते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता लेकिन जब ये कंबाइन होते हैं सॉलिड्स बनाने के लिए तो फिर ये एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं जिसके नतीजे में इनके आर्बिटाल्स ओवरलैप करते हैं उनकी मर्जिंग होती है दोबारा स्प्लिटिंग होती है और उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन के नतीजे में न्यू सेट ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स इज फॉर्मड तो देखें क्या हुआ आइसोलेटेड एट गैश एटम्स पहले ये कहानी समझें कि आइसोलेटेड गैशियस एटम्स में क्या होगा तो आइसोलेटेड गैशियस एटम्स में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होंगे समझाता हूं बोहर मॉडल आप सब लोगों ने पढ़ा होगा तो बोहर मॉडल में आप देखें यह आपके पास एनर्जी है ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी ई वन इफ़ यू रिमेंबर ये थी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वॉल्ट जो सेकेंड स्टेट में एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की वो माइनस थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वॉल्ट और जो थर्ड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है दैट इज माइनस वन पॉइंट फाइव वन इलेक्ट्रॉन वॉल्ट तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि सॉलिड गैशस एटम्स में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स मौजूद हैं डिस्टिंक्ट यानी वाजे एक दूसरे से अलग अलग क्योंकि दीज एनर्जी लेवल्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज एनर्जी गैप्स जैसे यहाँ पे आप देखते हैं 10.2 इन दोनों को सप्ट्रैक करें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक वाजे एनर्जी गैप मौजूद है तो ये क्लोजली स्पेस्ड नहीं है गैशस एटम्स में आइसोलेटेड गैशस एटम्स में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं अच्छा लेकिन जब आप क्या करते हैं जब आप लोग सॉलिड्स बनाते हैं तो सॉलिड्स में क्या होता है व्हेन एटम्स कंबाइन इन सॉलिड्स इनर्जी लेवल्स ऑफ द सॉलिड्स मर्ज देर इनर्जी लेवल्स अच्छा ये जरा मैं एक्सप्लेन करता हूं पहले क्या होगा ये ओवरलैप करेंगे उसके बाद क्या होगा इनकी मर्जिंग होगी मर्जिंग के बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन इनर्जी लेवल्स की होगी और इस रीडिस्ट्रीब्यूशन के नतीजे में न्यू सेट ऑफ क्लोजली स्पेस्ड इनर्जी लेवल्स इज फाउंड एंड दिस न्यू सेट ऑफ क्लोजली स्पेस इनर्जी लेवल्स इज कार्ड इनर्जी बैंड देखिये फर्दर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं आपने देखा कि पहले ओवरलैपिंग हुई फिर मर्जिंग हुई फिर उनकी रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई और उस रीडिस्ट्रीब्यूशन के नतीजे में नया क्लोजली स्पेस क्लोजली स्पेस्ड इनर्जी लेवल्स का सेट बन गया अब आप जब आइसोलेटेड गैशस एटम्स को लेते हैं जैसे मैं इधर इनर्जी लेवल डायग्राम बना रहा हूँ तो देखें यहाँ पर आपके पास एक एनर्जी लेवल है E1, ठीक है जी यहाँ पे एक एनर्जी लेवल है E2, टू यहाँ पर आपके पास एक और इनर्जी लेवल है E3, ठीक है जी अच्छा जब सॉलिड बनेंगे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड तो जब सॉलिड्स बनेंगे तो सॉलिड्स में क्या होगा फॉर एग्जांपल ये एक आइसोलेटेड गैशस एटम के एनर्जी लेवल है ये एक ही एटम है ठीक है और अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ कि तीन एटम्स कंबाइन हुए हैं थ्री एटम्स कंबाइन तो तीन एटम्स के कम्बीनेशन की वजह से एनर्जी इन तीन एनर्जी लेवल्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा तो देखें एनर्जी लेवल्स पर फर्क कुछ यूँ पड़ेगा कि ये सारे के सारे तीन एटम्स के एनर्जी लेवल्स या इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे तो ये एनर्जी लेवल्स मर्च होंगे ओवरलैपिंग की वजह से फिर ये देखें ये इनकी रीडिस्ट्रीब्यूशन है जो मैं आपको शो करूंगा ये एनर्जी लेवल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओरिजिनल एनर्जी लेवल, लेवल के अबव भी और ओरिजिनल एनर्जी लेवल के बिलो भी एक नया सेट बनेगा क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स का तो देखें वन टू थ्री इसी तरह वन टू थ्री वन टू थ्री क्योंकि ये तीन एटम्स थे तो तीन एटम्स के एनर्जी लेवल्स जब कंबाइन हुए हैं तो हमारे पास इस सॉलिड में तीन हर एक एनर्जी लेवल फर्दर तीन एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो गया तो सिमिलरली अगर एन एटम्स कंबाइन होंगे तो एन क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स प्रोड्यूस होंगे अच्छा अगर मैं कहता ना फाइव तो फिर इसी एनर्जी रेंज में आपके पास पांच एनर्जी लेवल्स पैदा होते यहाँ पर भी पांच एनर्जी लेवल यहाँ पर भी पांच एनर्जी लेवल और गैप और नैरो होता इसका मतलब जितने एटम से एटम्स एक ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन होंगे इन एनर्जी लेवल्स के दरमियान गैप उतना कम होगा दिस वन कलेक्शन ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एन एनर्जी बैंड इसी तरह बिल्कुल ये भी आपके पास एक एनर्जी बैंड है ये भी आपके पास एक एनर्जी बैंड है तो आप देखें ना जब एटम्स होते हैं तो आपके पास डिस्टिंक्ट डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं लेकिन जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो वहाँ पर आपके पास स्प्लिटिंग हो जाती है क्योंकि मॉलिक्यूल बनाने के लिए एटम्स कंबाइन होंगे और उनके एनर्जी लेवल इसी तरह मर्ज होने के बाद यहाँ पे मर्जिंग आप समझ लें कि हो गई उसके बाद ये देखें रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई स्प्लिटिंग हुई एनर्जी लेवल्स की तो एनर्जी बैंड थ्योरी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में जो स्प्लिटिंग हुई है एनर्जी लेवल्स की उसे एक्सप्लेन बहुत से कर रही है अच्छा अब इन एनर्जी फिर आपके पास टाइप्स होती हैं तो लेट्स स्टडी द टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड्स तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड्स एक आपके पास कहलाता है कंडक्शन बैंड और दूसरा आपके पास कहलाता है वैलेंस बैंड अब कंडक्शन बैंड की अपनी खसूसियात हैं वैलेंस बैंड की अपनी हैं इन दोनों को समझने के बाद ही हम एप्लीकेशंस स्टडी कर पाएंगे बैंड थ्योरीज ऑफ सॉलिड्स की तो देखें कंडक्शन बैंड जो है ये बेसिकली एक हाई एनर्जी बैंड है इस हाई एनर्जी बैंड में इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव कंडक्शन बैंड हैज मैनी वैकेंट स्पेसेस इट हैज वैकेंट स्पेसेस अगर वैकेंट स्पेसेस होंगी तो इलेक्ट्रॉन इजिली मूव कर पाएंगे तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि इट इज आईदर एम टी आर पार्शली फिल्ड इट इज आईदर एम टी और पार्शली फिल्ड फिर ये सॉलिड की नेचर पे डिपेंड करता है कि कब ये एम होगा कब ये पार्शियली फिल्ड होगा इसकी नस्बत जो वैलेंस बैंड होता है तो वैलेंस बैंड इज अ लो एनर्जी बैंड ये एक लो एनर्जी बैंड है तो इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड इन देयर बॉन्ड्स तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव ये बहुत आसान है अगर आप कंडक्शन बैंड की अपोजिट प्रॉपर्टीज यहां पे लिख दें तो वैलेंस बैंड बन जाता है देखिए यहां पे आपने लिखा है इट वैकेंट स्पेसेस, तो इट इज फिल्ड यूजुअली ये फिल्ड होता है विद नो वैकेंट स्पेसिस फील्ड है तो इसमें कोई भी वैकेंट स्पेसिस नहीं है ठीक है जी तो इसके बारे में मैंने बता दिया कि इट इज आइदर एम टी कंडक्शन बैंड इज आई टी आर पार्शली फिल्ड तो इट इज फिल्ड विद नो वैकेंट स्पेसिस तो ये फील्ड है इसमें कोई वैकेंट स्पेसिस भी नहीं होंगी अगर आप बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के मुताबिक इनर्जी लेवल डायग्राम बनाना चाहे और वहां पे इसे शो करना चाहें तो लेट्स सी हाउ शो इट ओवर हेयर यह आपके पास इनर्जी है और यहां पे आप दो बैंड्स शो कर सकते हैं हेयर इज योर वेलेंस बैंड एंड हेयर इज यंडक्शन बैंड तो ये आपका कंडक्शन बैंड है ये आपका बैलेंस बैंड है और इस कंडक्शन बैंड के अंदर फर्दर बोस्ट्रे क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स होंगे लेट मी शो यू हाउ दे लाइक दिस इस बैंड के अंदर ये इसी तरह ये ये क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल ये फिर नंबर ऑफ एटम्स पर डिपेंड करता है कितने ज़्यादा आइटम्स कंबाइन हुए और उन्होंने एक एनर्जी बैंड बनाया तो आप देख सकते हैं जो कंडक्शन बैंड है ये हाई एनर्जी लेवल पर है और जो वैलेंस बैंड है ये लो एनर्जी लेवल पर है इसी तरह आप ये नोटिस कीजिए कि कंडक्शन और वैलेंस बैंड के दरमियान एक गैप है इस गैप को हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं दिस गैप इज़ कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉरबिडन का मतलब है ममनू तो दिस इज फॉरबिडन इनर्जी गैप यानी कि इलेक्ट्रॉन या तो वैलेंस बैंड में होंगे या कंडक्शन बैंड में होंगे वो फॉरबिडन इनर्जी गैप में नहीं हो सकते वैलेंस बैंड से नीचे भी बैंडस होते हैं वैलेंस बैंड के नीचे जो बैंड होंगे उनको हम कोर बैंड्स कहेंगे फर्दर अगर आप डीपन जाते हैं इनर्जी में तो यहां पर इसके नीचे सारे बिलो वैलेंस बैंड देर आर कोर बैंड्स लेकिन कोर बैंडस क्योंकि कंडक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते तो इसलिए उनकी स्टडी कोई फ़ायदेमंद नहीं होती ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं सॉलिड्स की वो बैलेंस और कंडक्शन बैंड के ऊपर डिपेंड करती हैं इसीलिए कोर बैंड्स की स्टडी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो वहां पर हम इंसुलेटर्स कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर्स की नेचर को डिस्कस करेंगे डिस्क्राइब करेंगे ऑन द बेस ऑफ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह अल्लाफि